हाजरोज में एक मावा फैक्ट्री थी जिसमें जो ब्रॉयलर था उसमें संभवतः अभी बताया जा रहा है कि एक स्प्रिंग के अटकने से जो गर्म पानी का जो ब्रॉयलर था उसमें ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से चार लोगों को इंजरी हुई है। चारों लोग अभी फेटल कोई भी नहीं है, चारों को रतलाम में भर्ती कराया गया है, दो लोग ICU में, दो लोग वार्ड में है, अभी उनको लगातार इलाज को ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही वहाँ पे SDOP थाना प्रभारी और तहसीलदार उसकी जो ब्रॉयलर है उसकी अनुमतियाँ और अगर उसमें कोई मैकेनिकल लापरवाही थी उसके संबंध में जाँच कर रहे, जो वस्तुस्थिति पाई जाएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। खाचरौद में एक मावा फैक्ट्री थी जिसमें जो ब्रॉयलर था उसमें संभवतः अभी बताया जा रहा है कि एक स्प्रिंग के अटकने से जो गर्म पानी का जो ब्रॉयलर था उसमें ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से चार लोगों को इंजरी हुई है। चारों लोग अभी फेटल कोई भी नहीं है, चारों को रतलाम में भर्ती कराया गया है, दो लोग ICU में, दो लोग वार्ड में है, अभी उनको लगातार इलाज को ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही वहाँ पे SDOP थाना प्रभारी और तहसीलदार उसकी जो ब्रॉयलर है उसकी अनुमतियाँ और अगर उसमें कोई मैकेनिकल लापरवाही थी उसके संबंध में जाँच कर रहे, जो वस्तुस्थिति पाई जाएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।